नमस्कार दोस्तों मैं मैथ आप देख रहे हो फैंटेसी पर मैं आपको मैथ से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की पूरा कोशिश करूंगा जिसके मदद से आप एक बेहतरीन फैंटेसी टीम कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब होंगे आफ्टर टॉस पिच रिपोर्ट प्लेइंग कुछ फर्दर अपडेट ये सभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करता हूँ इसके अलावा स्मॉल लीग का टीम एंड कौन सा प्लेयर आज आपका कट भी हो सकता है ये सभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करता हूँ इसीलिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है आप लिंक के थ्रू हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो इस चैनल पर मैं हर रोज इंपॉर्टेंट मैच को डिटेल्स एनालिज करके कवर करता हूँ और स्टेटिकली एंड लॉजिकली प्रेडिक्शन देता हूँ जिसके मदद से आप नास्ल लीग ग्रैंड लीग में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो इसीलिए इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा शुरुआत करते हैं टाटा आईपीएल 2023 का थर्ड मैच प्रेडिक्शन जो खेला जाने वाला है लखनऊ और दिल्ली के बीच में फर्स्ट अप्रैल सात बजकर तीस मिनट पर कहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी एक क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ पर मतलब लखनऊ मतलब को थोड़ा होम कंडीशन का एडवांटेज मिल सकता है आप देख लेते हैं पिच रिपोर्ट लखनऊ पर जो पिच है ना वो जनरली स्प्रिनिंग फ्रेंडली रहता है मतलब स्पिनर को थोड़ा मदद मिलने वाला है इस पिच के ऊपर बाउंड्री डायमेंशन की बात करें तो स्क्वायर बाउंड्री सिक्सटी मीटर है और स्ट्रेट बाउंड्री सेवेंटी मीटर है और थोड़ा मदद बैट्समैन को मिलने वाला है मतलब शुरुआत में आप यहाँ पर एक न्यूट्रल वेन्यू मान के चल सकते हो लेकिन थोड़ा एडवांटेज स्पिनर को मिलने वाला है यहाँ पर अभी तक सिक्स टी ट्वेंटी आई मैच खेला जा चुका है जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने पांच और बैटिंग सेकंड करते हुए टीम ने एक बार मैच ऑन किया है मतलब जो टीम टॉस जीतेगा वो टीम पहले बैटिंग करना प्रेफर करेगा फास्ट इनिंग्स की एवरेज स्कोर की बात करें तो वन सिक्सटी है हाई स्कोर इंडिया की है वन नाइन्टी नाइन और लोएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड की है आप स्कोरिंग पैटर्न देख सकते हो डेढ़ सौ से बिलो टू टाइम्स वन फिफ्टी टू वन सिक्सटी नाइन टू टाइम्स और वन सेवेंटी टू वन एट्टी नाइन एक बार भी स्कोर नहीं गया और वन नाइन्टी अब टू टाइम्स रन जा चुका है अब इस वेन्यू के ऊपर रिसेंट कुछ मैच का रिकॉर्ड आप देख सकते हो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में एक मैच खेला गया था यहाँ पर जिसमें से न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए नाइनटी नाइन पर ऑल आउट हो गया था और इंडिया ने वो था चेस कर दिया था वो भी एट द एंड ऑफ द ओवर इस मैच में आपको थोड़ा लो स्कोर देखने को मिला था लेकिन आपको इस मैच में डिसेंट स्कोर देखने को मिल जाएगा उसके बाद ये कुछ डोमेस्टिक का मैच हुआ था उस मैच का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हो पेशर और स्पिनर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्पिनर का मतलब बॉल वाला रहा यहाँ पर भी ऑलमोस्ट स्पिनर को ही ज़्यादा विकेट मिला था यहाँ पर भी स्पिनर मतलब ठीक ठाक विकेट और आप सभी लोग जानते हो एक टीम में पेशा से मतलब पेशा ज़्यादा होता है और स्पिनर कम होता है फिर भी स्पिनर अगर मतलब सात छः करके विकेट चटकाता है तब आप सोच सकते हो स्पिनर कितना इंपॉर्टेंट रहता है इस पिच के ऊपर आप देख लेते हैं हेड टू हेड मैच आप लखनऊ और डीसी के बीच में अभी तक दो ही मैच खेला जा चुका है जिसमें से कुछ मै मतलब कॉमन नाम आपको देखने को मिल जाएगा एक हो गया राहुल फिर से लम आपको देखने को मिल जाएगा राहुल अक्सर आईपीएल में ठीक ठाक खेल लेता है लेकिन इंटरनेशनल मैच में क्या होता है पता नहीं और सामने जब पाकिस्तान होता है खैर छोड़िए वो सब अलग बात है उसके बाद और कुछ प्लेयर है उसका भी रिकॉर्ड आप देख सकते हो आपको एक कॉमन नाम देखने को मिल जाएगा वो कौन है विष्णु है विष्णु का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और विष्णु का फिर से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और विष्णु का रिकॉर्ड मैं आपको दिखाऊंगा बाद में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच में कुलदीप का भी यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा एक बार आप देख लेते हैं लखनऊ की पॉसिबल फ्लिंग इलेवन विद रिसेंट फॉर्म राहुल के साथ आपको माया ओपनिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा राहुल का ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो रिसेंट कुछ फॉर्म कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है लेकिन आईपीएल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है मायास का ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करके दिया था और एक आध बार बॉलिंग भी डाल लेते है इसलिए मायास इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है दीपक हुडा एक आध बार बॉलिंग भी डाल लेता है और मतलब बैटिंग से आपको कुछ ठीक ठाक मतलब स्कोर करके दे सकते हैं इसीलिए दीपक हुडा भी एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है हुडा ऑफ स्पिनर है और सामने दिल्ली के पास एक ही लेफ्ट एंडर है टॉप ऑर्डर में वर्ड हो गया मतलब वार्नर को छोड़ के और कुछ लेफ्ट हैंडर नहीं है इसीलिए दीपक हुडा का बॉलिंग करने का चांस इस मैच में उतना ज्यादा नहीं है आपको नंबर चार पांच देखने को मिल जाएगा जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देने वाला है निकलास पुरन का ये फॉर्म है साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में फोर्टी वन था उसको छोड़ के मतलब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है आयुष बदोनी का ये रिसेंट फॉर्म है पिछले साथ काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाया था अपना कुणाल पांडे का ये रिसेंट फॉर्म है मतलब ठीक ठाक फॉर्म है बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से कहीं कहीं से आपको पॉइंट देने वाला है और ये लेफ्ट थार्म औरडोक्स बॉलर है और मतलब दिल्ली दिल्ली के पास बहुत सारे राइट हैंडर बैट्समैन है इसलिए ये आपका ट्रांपिक हो सकता है आज और इसका रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी शानदार है और ये बैटिंग में भी आपको कुछ रन करके दे सकते हैं नंबर आठ पर आपको रोमारियो सेफार्ट को देखने को मिल जाएगा इसका रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए मैं हमेशा बोलता हूँ इसके पास मतलब हीटिंग करने का बहुत ज़्यादा एबिलिटी है और ये डेथ में बॉलिंग करना आएगा और विकेट भी चटका के दे सकते हैं आपको रवि बिश्नोई का रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए बाद में मैं आपको इसका सिलेक्शन परसेंटेज दिखाऊंगा काफ़ी कम है एक मैच को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में डिसेंट विकेट चटका के दिया मैं आपको बाद में प्लेयर बैटल दिखाऊंगा वहाँ पर रवि बिश्नोई का रिकॉर्ड काफी शानदार है मोहसिन खान का ये रिकॉर्ड आप देख सकते हो इसका भी सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है लेकिन अब एक मैच और ये दो मैच को छोड़ दीजिए ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में विकेट चटकाया आवेश खान का फॉर्म कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है मतलब एक दो मैच में विकेट तो चटकाया लेकिन उतना ज्यादा विकेट टिकिंग मतलब लैर खो चुका है अभी देखते हैं इस साल आईपीएल में क्या होता है ओपनिंग बॉलर की बात करें तो मोहसिन खान के साथ आपको आवेश खान को देखने को मिल जाएगा डेथ में आवेश खान और रोमानी और सफर्ट भी आ सकता है बेंच पर कुछ प्लेयर है आप उसका भी रिकॉर्ड देख सकते हो तो डी कॉक तो मुझे नहीं लगता है इस मैच पे खेलने वाला है डैनियल सैम्स अगर खेलता है तो इसका रिकॉर्ड आप देख लीजिए विकेट मशीन है पी में है विकेट मशीन लेकिन इसमें मतलब आई में उतना ज्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं रखते हैं मार्क अगर खेलता है तो ये पिक होने वाले है इसका रिकॉर्ड देख लीजिए और इस मैच में मुझे लगता है खेलने वाला है एक मैच को छोड़ के एक मैच को छोड़ के आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए तीन तीन करके विकेट चटका दो दो करके विकेट चटका बहुत ही विकेट टेकिंग बॉलर है और वन फिफ्टी प्लस गति है इसके पास जयदेव का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में विकेट चटकाया मिश्रा जी का फॉर्म कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है गौतम अगर खेलता है तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये भी ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में विकेट चटकाया करण शर्मा अगर खेलता है तो इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा इसका भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार है इसी तरीके से कुछ और प्लेयर का भी रिकॉर्ड है आप देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप देख लेते हैं दिल्ली की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन विथ रिसेंट फॉर्म डेविड वार्नर के साथ आपको पृथ्वी का कर ओपनिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा वार्नर का ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में स्कोरिंग किया है और वार्नर अक्सर मतलब फॉर्म तो अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है लेकिन आईपीएल में अक्सर ठीक ठाक मतलब स्कोरिंग करता है पृथ्वी शॉ का ये रिचेंट फॉर्म है आप देख सकते हो ये भी आईपीएल में ठीक ठाक स्कोरिंग करता है और इसके पास अच्छा खासा हिटिंग एबिलिटी है और ये पावर प्ले में बहुत ही अच्छा खेल लेता है मतलब वो जो छः ओवर होता है ना वो छः ओवर में बहुत शानदार खेलता है और अगर टिक गया ना मतलब पावर प्ले तक अगर पृथ्वी शॉ ने टिक गया तो फिर आपको ये सिक्सटी या सेवेंटी के देगा पक्का मिचुअल मार्क्स का ये रिचेंट फॉर्म है देख सकते हो एक मैच को छोड़ के ये भी ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में स्कोरिंग किया लेकिन इनका बॉलिंग करने का चांस थोड़ा कम है फिलहाल मैं वो सब आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मोनीष पांडे का भी ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो मोनीष पांडे ये डिसेंट पिक होने वाला है इसका भी सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है लेकिन एक और दो मैच को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में स्कोरिंग किया रोमिन पवेल का ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकता है सफराज खान का ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो डोमेस्टिक में काफ़ी शानदार खेल देता है और ख़ास करके जो विजय हजारी ट्रॉफी होता है ना विजय हजारी ट्रॉफी में सरफराज खान का बहुत शानदार रिकॉर्ड है आप सभी लोग जानते हो अक्षर पटल का ये रिसेंट फॉर्म है ये भी देख सकते हो और इस पिच के ऊपर अक्षर पटल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कुलदीप का ये रिसेंट फॉर्म है एक दो मैच को छोड़ के ये भी ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में विकेट चटका है चेतन सकरिया का फॉर्म देख लीजिए और फिर मैं आपको इसका सिलेक्शन परसेंटेज दिखाऊँगा Dakar, दो मैच को छोड़ के ये दो या तीन मैच को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में अच्छा खासा विकेट चटकाया चार चार करके तीन तीन करके दो करके विकेट चटकाया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पिक इन होने वाला है अगर ये खेलते हैं तो और ये खेलने वाला है पक्का कन्फर्म अलील अहमेद का ये रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो ये भी दो मैच को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे के सारे मैच में विकेट चटकाया ईशां शर्मा टी में उतना ज़्यादा विकेट नहीं चटकाता है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट मैच ओपनिंग बॉलर की बात करें तो ईशान शर्मा के साथ चेतन साकरिया और खाली अहमद को आपको देखने को मिल जाएगा दैद में चेतन साकरिया और खाली अहमद आ सकता है बेंच पर कुछ प्लेयर है नोकिया लुंगी रोसो ये सब साउथ अफ्रीका में से जो प्लेयर है ना वो इस मैच पे अवेलेबल नहीं होगा फील्ड सोल्ट अगर खेलते तो आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हो मुस्तफिजुर रहमान मुझे नहीं लगते है इस मैच में खेलने वाला है ललित यादव का रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हो और प्लेयर का भी फॉर्म देख, देख लेते हैं डेविड प्लेयर बैटल। प्लेयर बैटल मतलब है, है। वार्नर को रवि बिष्णु ने छ बॉल के अंदर तीन बार आउट कर चुका है तीन बार आउट कर चुका है छ बॉल के अंदर मतलब खतरनाक स्ट्रगल करता है वार्नर बिष्णु के सामने फिर से आपको बिष्णु का नाम देखने को मिल जाएगा पावेल को थर्टी फोर बॉल के अंदर चार बार आउट कर चुका है ये दो खतरनाक प्लेयर बैटल हो गया है आप देख सकते हो इसलिए बिजनोई मास्ट ऑफ होने वाला है आप देख लेते हैं फैंटेसी टीम विकेट कीपर सेक्शन से आपको राहुल को देखने को मिल जाएगा सरफराज खान को आप ग्रैंड लिंग में ट्राई करना स्मॉल लिंग में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिल शॉल्ट अगर खेलते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा डिकॉक तो इस मैच में खेलने वाला नहीं है बैटिंग सेक्शन से वार्नर को करना आप चाहो तो वार्नर को ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि इसका रिसेंट फॉर्म उतना भी ठीक ठाक नहीं है मैं सोच रहा हूँ इसको ड्रॉप कर दूँगा फिलहाल मैं आपको मतलब वो सब चीज़ बाद में डिस्कस कर दूँगा टेलीग्राम पर फ़िलहाल मैं वार्नर को पकड़ के चल रहा हूँ पृथ्वी सो ये भी मास्टर पिक होने वाला है मैं ये सोच रहा हूँ वार्नर को ड्रॉप करते हुए मैं मोनिस पांडे को पिक करूँगा इसका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी कम है और ये बहुत ही अच्छा फॉर्म में है अभी डोमेस्टिक में लेकिन वार्नर का फॉर्म कुछ ठीक ठाक नहीं है इसलिए मैं वार्नर को ड्रॉप करने वाला हूँ फिलहाल मैं वार्नर के साथ जा रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से मिचल मार्स मार्कस टॉइनिक्स अक्षर पटेल और कुणाल पांडे ये चारों मास्टर पिक होने वाले हैं कुणाल पांडे को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो आप कुनाल पांडे के जगह मायास को पिक कर सकते हो ये आपका मर्जी है लेकिन कुणाल पांडे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी शानदार है मैं आपको दिखा था और ये लेफ्ट हार्मऑ ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और डीसी के सामने बहुत सारे राइट हैंडर बैट्समैन है वार्नर को छोड़ के इसीलिए यह मास्टर पिक होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है आज के मैच में उसके बाद रोमारियो शेरपाड है इसको भी आप जरूर पिक करना सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है लेकिन डेथ में आपको ये बॉलिंग करके देगा और इसके पास अच्छा खासा हिटिंग एबिलिटी है इसीलिए ये भी एक मास्टर पिक होने वाला है बॉलिंग सेक्शन से आप चाहो तो आवेश खान को पिक कर सकते हो लेकिन इसका फॉर्म कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है कुलदीप यादव को आप चाहो तो पिक कर सकते हो डीसी की टीम अगर सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करे तब उस कंडीशन में मैं कुलदीप को पिक करने वाला हूँ फिलहाल आप बिजनोई के साथ जरूर जा सकते हो इसका रिसेंट फॉर्म काफी शानदार है और प्लेयर बैटल भी काफी खतरनाक है डीसी के खिलाफ और इसका सिलेक्शन परसेंटेज भी देख लीजिए काफी कम है इसलिए ये मास्टर पिक होने वाला है अगर मार्कउट खेलते हैं तो आंख बंद करके इसको पिक कर लेना मतलब कुछ डाउट नहीं अगर है अगर मार्कूट खेलते हैं तो आपके टीम में मार्कूट होना ही चाहिए उसके बाद मोहसिन खान है इसका फॉर्म मैं आपको दिखाता काफी शानदार फॉर्म है और इसका सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ एक है एक दो मैच के बाद इसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना हो जाएगा आप मुझे दिखाना मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ उसके बाद खाली अहमद इसका भी सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ दो है लेकिन ये आपका ट्रांपिक हो सकता है आप देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो मिचुल मार्क्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो के राहुल सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के एक चॉइस होने वाला है आप अक्सर पटल को कर सकते हो पिच को देखते हुए आप पृथ्वी शो के साथ जा सकते हो लेकिन ये थोड़ा रिक्सी हो जाता है आप राहुल और मार्क्स के साथ जा सकते हो वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा